आज फाइनली मैं हापुड़ आई गई ना, तो मैं तो चाह रही थी बहुत टाइम से आपको बुला रही थी, बट अब फाइनली आज वो दिन आई गया, निकाल लिया आपने। और इसलिए भी आई कि ये बहुत मतलब मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है और बहुत ज्यादा व्हाट्सअप भी करती रहती है। अब नेक्स्ट टाइम हम आपको नोएडा में मिलेंगे, और मैं इसे हमेशा बुला रही हूँ कि नोएडा आ जाओ, नोएडा मिलेंगे। तो अब ये नेक्स्ट टाइम नोएडा आएगी तभी हम आएंगे, तब हम ब्लॉग देंगे। ठीक है, तब ग्लो कर रहा है। और ये अंजू ने किया है फेशियल और बहुत अच्छे से करती है, और मैं बार बार यहीं पे आना चाहूंगी क्योंकि साइरस मैथ्यू में फेशियल और देन हर बहुत सारे ट्रीटमेंट हैं कि जो कि बहुत अच्छे और बहुत जेन्युइन रेट पे होते हैं। तो जो भी इसने मेरा फेशियल किया, कौन सा किया तुम बता दो, अच्छा ब्लॉसम कजम का अरोमा किया, वो मेरे स्किन के अकॉर्डिंग किया है। और मैं ज्यादा पागल नहीं जाती हूँ, लेकिन जब भी आती हूँ तो बस यहीं आती हूँ और कहीं नहीं जाती हूँ। ये रोमान और जो इनकी वजह से भी आती हूँ, क्योंकि ये मेरा हेयर का जितना भी स्टाइल करते हैं, जितनी भी चीज़ें मेरे हेयर में करते हैं, तो मैं सेटिस्फाइड फुल होती हूँ तभी यहाँ पे आती हूँ। तो आज मेरे हेयर में आप कौन सा कलर किए ये बताएं। मैंने मैम का हाइलाइट्स कलर करा है, और लास्ट टाइम मैंने मैम का केराटिन करा था। अब मैम बताएंगे आपको। नहीं, मेरे बालों में क्या प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम को भी तो आपने सॉर्ट आउट किया है। ड्राई थे, बहुत फ्रिजी हेयर थे, तो मैंने मैम का हेयर कराया विद ट्रीटमेंट। और इन्होंने बताया भी है कि आपको आफ्टर शैम्पू मास्क लगाना है, देन क्या कंडीशनर यूज करना है, मास्क लगाना है, और एवरी वॉश यूज करना है। और इन्होंने जो भी हेयर के अकॉर्डिंग बताया, मेरा हेयर देखा तो मुझे पता नहीं था कि मेरे फ्रीजी हेयर है, क्योंकि मुझे लग रहा था मेरे डैमेज हेयर है। तो दोनों में फर्क होता है, तो उस हिसाब से मतलब मुझे ये आइडिया नहीं था। तो आज मुझे इतने दिनों बाद पता चला कि मेरे फ्रीजी हेयर है, तो उसके लिए मैं उस टाइप का ही शैम्पू और मास्क यूज करूँ, और काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा मेरा आज का। तो काफ़ी अच्छा, मुझे मतलब अपने बालों से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आज, तो मुझे वो लग रहा है कि सबसे ज़्यादा मेरे ही अच्छे लग रहे हैं हेयर। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको कुछ भी जानकारी लेनी हो तो आप मेरा ब्लॉग देखोगे और वहाँ पे नीचे टेक्स्ट करोगे तो मैं ज़रूर उसको आंसर करूँगी, और नेक्स्ट रिजल्ट के लिए बताऊँगी। थैंक यू। हाय आजम, बहुत दिन बाद। मैं सोच सोच के थक गई थी कि मैं अपने हेयर का कहाँ कराऊँ, बुलंदशहर जाऊँ, दिल्ली जाऊँ या नोएडा जाऊँ, लेकिन फाइनली मैं साइरस मैथ्यू में आई। और सारा श्रेय प्रतिष्ठा को जाता है कि ये बार बार मुझे व्हाट्सअप कर रही थी कि आप आ जाओ कब आओगे, तो फाइनली मैं आज आ गई। और अपने हेयर ट्रीटमेंट से मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड, बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मतलब मैं सोच नहीं सकती हूँ कि इतना अच्छा मेरा रिजल्ट आएगा, क्योंकि मैं स्ट्रिक्स के बारे में सोच के परेशान थी कि क्या पता मेरे ऊपर अच्छे लगे कि नहीं लगे। और जो भी मैंने यहाँ पे जो भी वर्क काम कराती हूँ, मतलब उससे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। और चाहे आप फेस का कराओ, चाहे हेयर का कराओ, या फुल बॉडी का, जो भी आप ट्रीटमेंट दोगे साइरस में आपको फुल सेटिस्फैक्शन मिलेगा। और प्रतिष्ठा बताएगी कि यहाँ पे ये अपना वर्क कैसे चलाती है, क्योंकि काफ़ी ये मेहनत कर रही है। जब से मैंने एक साल बिफोर में आई थी तब भी ये काफ़ी बिजी होती थी, क्योंकि एक क्लाइंट को खुद ही हैंडल करती है और एक एक क्लाइंट को ये सेटिस्फाइड करती है, सबसे बड़ी बात ये है। हाई, माई सेल्फ इज प्रतिष्ठा, और मैं हापुड़ से हूँ, साइरस मैथ्यू से। और हमारे यहाँ जितना भी जो भी केमिकल और स्किन ट्रीटमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन के साथ होता है। आप एक बार आइए, ट्राई करिए, और सारी चीज़ें आपको जो भी मिलेगा, जो भी प्रोडक्ट्स होंगे वो जेन्युइन होंगे, कोई हाइड एंड सीक नहीं है। प्लस उसके साथ साथ हमारे बहुत ऑफर्स निकलते हैं, बहुत डिस्काउंट्स होते हैं। और बाकी तो मैम को अभी मैम दूसरा नेक्स्ट ब्लॉग देंगी, तो उसमें आपको हेयर के बारे में बताएंगी कि उनके फ्रिजीनेस कैसे हमने ख़त्म करी और कैसे मैम को एडवांस एंड मॉडर्न लुक दिया है। तो एक बार आप फिर दोबारा वॉच करिए मैम का चैनल, उसमें आपको नेक्स्ट ब्लॉग में आपको पता चल जाएगा कि क्या रिजल्ट है। और आप सब लोग भी आइए, और फिर हम आपको भी सर्विस देते हैं। और जो भी नोएडा का है वो एक बार जरूर मुझसे बोलता है कि आप बिना बताए मुझसे चले गए और गलत किया, तो इस बार भी मैंने गलत ही किया बिना बताए मैं चली आई हूँ। तो जिसको भी अगर मेरे जैसा हेयर पाया चाहिए तो वो टेक्स्ट करेगा मेरे ब्लॉग में, और मैं जरूर उसका एड्रेस बताऊंगी कि ये साइरस मैथ्यू हापुड़ में कहाँ है। और मैम के साथ आने का आपको एक ही फायदा, प्लस पॉइंट होगा कि जो भी सर्विसेज होंगी वो पूरी ही सेटिस्फेक्शन के साथ होंगी, प्लस डिस्काउंट भी मिलेगा। तो आप मैम के साथ आइए, सब नोएडा वाले आ जाएंगे। नहीं, आप सबको लेकर आइए, सबके लिए हमारा जो साइरस मैथ्यू है, वी आर ऑलवेज ओपन।
और हमारा ब्रांच दिल्ली में भी है, हापुड़ में भी है, और हमारे प्रोफेशनली पूरा टीम जो है हमारा प्रोफेशनल ट्रेंड है, तो आप एक बार आइए तो है। और ये 7 days ओपन होता है, सबसे बड़ी बात ये है, तो प्लीज सही में मैं मतलब फ्रेंड होने के नाते नहीं तारीफ कर रही हूँ, क्योंकि आप मेरे पिछले बहुत सारे ब्लॉग में देखोगे कि मैं कभी भी पार्लर को सजेस्ट नहीं करती, मैं बोलती हूँ कि मैं थोड़ा सा पार्लर से दूर रहती हूँ, क्योंकि आप जितना भी जाओगे उतना ही आपका स्किन और हेयर खराब होगा, लेकिन साइरस में आके आपको मतलब अलग फील होगा, और सही में मतलब जो भी ट्रीटमेंट कराते हो ना बहुत मतलब उसका रिजल्ट बहुत बेस्ट है और लॉन्ग टाइम के लिए होता है, ऐसा नहीं कि आज आपने कराया और 1 week बाद आपको मेरे को याद है कि मैम ने अपना स्किन ट्रीटमेंट लास्ट ईयर लिया था और एक साल बाद आई है मैम। अब जो चीज है कि जिस तरीके से हमारे यहाँ फेशियल ट्रीटमेंट दिया जाता है वो पूरे दिल्ली NCR में तो नहीं है, और आप एक बार कराकर देखिए तभी आपको पता चलेगा कि हम लोगों की सर्विसेज कैसी हैं। सही बात है, थैंक्स फॉर कमिंग मैम। जैसे मैं अभी देखिए उनको पहचान लिया, और ये है देखिए साइरस, और जिनके नाम ब्रांड नाम का ये पार्लर है, और मतलब कि लोग ये बोलते हैं कि यहाँ पे नहीं आते होंगे, लेकिन ये आज मेरा कोइंसिडेंस था कि हापुड़ में इनसे मुलाकात हो गई और मैंने इनको फर्स्ट नजर में पहचान लिया। और आप बताओ साइरस भैया कि ये आपको मतलब हापुड़ हमेशा ही आते रहते हो, ये मुझे लग रहा है। हाँ, वीकली में विजिट होती रहती है और सब कुछ अच्छा है। आप बताइए आपको सर्विस कैसी लगी है? मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं सोच रही हूँ कि अगर मेरे पास थोड़े पैसे आ जाए तो मैं नोएडा में आपका एक ब्रांडिंग खोलूंगी और